गाइस अब हम पहुंच चुके इस रास्ते पे। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जो फॉरेस्ट है कितना अच्छा है, पेड़ ही पेड़ है और ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। नीचे से गर्मी काफी कम है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं हैं। और ये हमें इस रास्ते से होकर जाना है अभी, तो आइए। ऊपर से आपको काफी अच्छा व्यू पॉइंट आएगा, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा आपको ऊपर से। देखिए और जुड़े रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और ना इस वीडियो को छोड़ के जाइए। आपको ये व्यू देखकर जाना होगा और सब्सक्राइबर भी करना होगा। ए मेरे दोस्त, हमारी दोस्ती इतनी पक्की होनी चाहिए। चोट तुझे लगे और आंसू मेरे निकले, वाह वाह वाह। चोट तुझे लगे और आंसू मेरे निकले, और दुख तुझे हो दुख मुझे भी हो, वाह वाह। खुदा करे अपनी दोस्ती इतनी पक्की हो, बिजनेस तू करे और इनकम मेरी हो। क्या बात है, थोड़ी टूटी फूटी शायरी थी, मेरे ढंग से याद नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी मैंने सुना दी। तो इसी बात पे हमारे भाई कह रहे हैं कि एक शायरी मैंने इनको सुनाई, वो ऑन कैमरा सुना दो। तो करते हैं शुरू। मैंने कहा ओ मेरी दिलरुबा, मैंने कहा ओ मेरी दिलरुबा, उसने कहा हीरो का हार दिला। मैंने कहा पैसे नहीं है, मैंने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा कैसे नहीं है। अरे वाह भाई, मेरे तबाही। मैंने कहा बढ़ गई है महंगाई, मैंने कहा बढ़ गई है महंगाई, उसने कहा आज से तू मेरा भाई। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये है पूरा नाग। आप जो जिस तरफ बर्फ देख रहे हैं, यहाँ पर से हम उस दिन से आए थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वो जगह है जहाँ पर हम पिछली बार हमने व्लॉग शूट किया था। एंड वहाँ पर एक केव है, गुफा है, जिसे कि हमारी लोकल लैंग्वेज में रुआड़ कहते हैं। एंड चल वहाँ भी चलेंगे, आपको फिर से घुमाएंगे, जो नए हैं उन्हें दिखाएंगे। अगर कोई कष्ट नहीं करना चाहता मेरी पुरानी वीडियो देखने का, तो फिर से एक बार चलते हैं। एंड अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और नीचे देख सकते हैं आप, बिल्कुल खाई है, और यहाँ से अब थोड़ा ही ऊपर रहता है ऊपर जाने के लिए। और शायरी के साथ साथ, गाने के साथ साथ चले हुए हैं बातों ही बातों में। तो अब आपको मिलते हैं सीधे रीच की गुफा के पास, तो आइए चलते हैं। जाकर ऊपर वाले की शरारत समझ में आई, आज जाकर ऊपर वाले की शरारत समझ में आई, इस दुनिया पे आपकी जरूरत समझ में आई। क्या बात, आपका आना तो एक बहाना था, आपका आना तो एक बहाना था, क्योंकि रावण के बाद किसी को तो आना था। मैना बॉर्डर से थोड़े ही दूर है, तो आइए मेरे साथ, हम आपको बॉर्डर भी दिखाएंगे। हालांकि अभी हम गुफा के पास नहीं पहुंचे रीच की, वो भी दिखाएंगे, सबर करो। रुको जरा, सबर करो। लेकिन अभी दिखाएगा आपको चाइना बॉर्डर, हमारा चाइना बॉर्डर, और हमें वहाँ के एकमात्र आर्मी जवान नहीं है लेकिन नौजवान जरूर है। तो आइए हमारे साथ, ये रहा बॉर्डर और ये लगी है तारे, ये देखिए। इनको हम छू नहीं सकते, कैमरामैन जरा ये दिखाइए, अगर हम इन्हें छू लें तो हमें लगे 440 वोल्ट छूने छाड़ के। तो हम इसे छूने का खतरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है, अभी हमें माता जी के दर्शन करने हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए, वहाँ पे माता जी का मंदिर बस थोड़ा ही दूर रह गया है, हमें अभी इतना और चलना है, थोड़ा तो नहीं बोले, हमारे लिए तो थोड़ा है। अगर कोई इसे शहरी लोग देख सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन शहरी लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें लेके आते थे, इसलिए हमारे लिए तो थोड़ा ही है। तो अगर कोई यहाँ पर घूमने आ जाता है, आना है किसी को, कॉन्टेक्ट कीजिए मुझे अपने भाई से, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दो यार और शेयर कर दो वीडियो को, ऐसा नहीं करता यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वीडियो के लिए कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, लेकिन माता जी के दर्शन करने हैं, हिम्मत आ जाती है। आपको आवाज़ अगर अच्छे से आ रही होगी तो आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वॉइस ओवर कर दूंगा बहुत भी सुनाई दे रही है। तो चलिए चलते रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को, आगे होने जा रहा है बहुत सारा फन। ये है हमारे साथ मिस्टर कॉमेडियन राहुल पानवाला।
साथ ये है गिटार मास्टर, क्योंकि गिटार बजा के आपका करेंगे मनोरंजन। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल में। एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सुनीली आके कोई राज इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जो है वो यहाँ से बहुत नजदीक है, इसलिए हमने गन लोड है की हुई और अब इसे थोड़ा निशाने में लगा के रखेंगे, क्योंकि कभी भी रीच हमारे सामने प्रकट हो सकता है और हमें यूं 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 खा सकता है। तो आइए आपको रीच की गुफा दिखाते हैं। कमजोर दिल वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिससे कमजोर दिल वालों का दिल ही उड़ जाए। तो आइए चलो जी। ओ भाई, वहाँ कुछ लग रहा है, बारिश हो सकता है, हमारे को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, लेकिन हमारे पास उतराई में एंड यहाँ से उतराई में भागना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से नीचे बर्फ है। चलिए ट्राई करते हैं आगे, शायद ये हमारा वह भी हो सकता है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो जड़ी बूटी है ये, अरे
अरेबिया के जंगलों में पाई जाती है, जो कि यहाँ पर भी है। इसे खाने से कुछ नहीं होता है, केवल भूख मिलती है। ये रास्ते रास्ते वाली ट्यून करनी पड़ेगी, जो यहाँ से सिर्फ दो कदम रह चुके हैं और इसकी गुफा है, और मुझे भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। और आइए मेरे साथ, अब सीरियस है, मजाक नहीं है, क्योंकि हम चले हुए तो हल्ला पाते हुए चले हुए, क्योंकि यार कुछ भी होगा तो ज़रूर हड़बड़ाएगा और शूट कर देगी। हम सिर्फ उसे सिर्फ डैमेज करेंगे, जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। उसे डैमेज करके यहाँ से दूरते फिरते नज़र हो जाएंगे। आइए गाइस, अब हम वीडियो ऑफ नहीं करने वाले हैं, अब आपको कंटिन्यू वीडियो दिखाएंगे। कुंदरू कुंदरू आपको आपसे में दिखाएंगे। ऊपर की ओर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा, क्योंकि एक कदम आपको तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस एडवेंचर को आगे चालू रखें तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारा एक टॉनिक है, जिसे कि अगर हम ना पिए तो हम अधूरे हैं। तो आइए, ओह माय गॉड, कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं, ये राख है, बताने की जरूरत नहीं है राख किस चीज की होती है, बहुत सी चीजों की थी, लेकिन ये लकड़ियों की है। यहाँ पर लोगों ने खाना बनाया है और अकेले अकेले खाया है, उनके पेट में दर्द हुए थी। तो ये जंगल बिल्कुल सुनसान वीरान है, और हम चारों को ओह माय गॉड गुफा, और पैर मार के देख कैसा लगता है। बदकिस्मती है कि यहाँ पर रीच नहीं है, लेकिन वहाँ पर देख के लगता है वहाँ पर आज जाई हुई है, पीछे देश दिखा सकते आप। और चलिए अब हम ट्रेजी करते हैं। तो दोस्तों हम कुछ ऐसा रहे कि आते आते यहाँ पर खाना खाए, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा जमेगा नहीं, थोड़ा नीचे जाकर खाएगी, क्योंकि मैगी है लाई हुई, उसको उबालने के लिए पानी भी चाहिए, पानी कौन देगा यहाँ पर, लानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, ताकत आएगी। वो छोटे आ गया बाल लेने, क्या करना, मैं तो रात डरपोक सा बंदा हूँ, ये आगे जाने में मेरी लाइट हो रही है, इसलिए हम गिटार जाएंगे, थोड़े आगे चलिए मिस्टर बाला, गिटार मत बजाइए, गिटार छोड़ दीजिए, आइए इस आगे मैं नहीं जाता। अच्छा देखो गाइस, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, पार कुछ खोपचे से बने हुए हैं, और यहाँ पर आप एक रात भी गुजार सकते हैं, यहाँ पे कोई रीच नहीं थे, हम तो खुद बना रहे थे सर पर, आप बड़े आराम से आ सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आग जलाई है, बड़े आराम से आइए। देखिए सच में गाइस हो भी सकता है, हम कन्फर्म, हमें श्योर नहीं है, हम यहाँ पे चार पाँच बार ही आ गए, हमें तो कभी ना देखा ना मिला, लेकिन सुनने में आया है, सुनने में आया है तो लंदन में रहती है। तो ये देख सकते हैं रात पड़ी हुई है, और चलते हैं, चलिए बाहर की ओर चलते हैं। दिखाइए कैमरामैन, ये यहाँ चला रहा है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर, माता जी के दर्शन। ये देख सकते हैं हम बिल्कुल संभाल संभाल के अंदर गए थे, संभाल संभाल के बाहर आ रहे हैं। तो ये व्लॉग आपको आगे और हमारे साथ जुड़े रहिए, ये व्लॉग कर देगा आपको बिल्कुल हैरान, आपको सब्सक्राइब करने पे मजबूर कर देगा, तो देखते रहिए तभी मजबूर करेगा। तो आइए, आगे रास्ता बहुत सारा फिसलन भरा है, फिसलन भरा है, फिसलन। तो हम कैमरा मैन से गुजारिश करते हैं कि कैमरा ऑफ ना करे कृपया, क्योंकि अब जो भी शॉट होते हैं आने दीजिए। और ये छोटू आपको जो दिख रहा है, इसे बीड़ी की तलाश थी, जो कि इसे इस रवाड़ में नहीं मिल पाई है। तो वायरल कर दीजिए दोस्तों इसे,
और मीम पे मीम फोकते जाइए, मीम पे मीम, मीम पे मीम। नीम का पत्ता कड़वा है। इसके लिए एक शेयर बनता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा ही गिटार बजाया है मेरे लिए। उस गन के लिए सब्सक्राइब बनता है और इसके लिए घंटा बजा दो भाई। तो गाइस हमें यहाँ पे फूक फूक के कदम रखने होंगे क्योंकि फूक फूक के नहीं आ रहा है, चलते रहो बस रास्ता नहीं भटकना। यहाँ पे इसके नाक से सारे के माय गॉड, ये देखिए हमें क्या मिला है। इसे देखने से लगता है ये किसी जंगली पक्षी का पंख है। हम इसे हाथ में उठा के देखते हैं। अच्छी मैं नहीं उठा सकता, देख लिया होगा। चलिए, और जब भी आप ऐसे जंगलों में आते हैं तो आपको ये चीजें जरूर देखने को मिल जाती है। वो खाते हैं इसमें, ये देख सकते हैं। हो रहा है लेकिन हमें जिस जिस तरह की छाप दिख रही है रास्ते से चले गए हैं। ये देखिए सूखे घर को लकड़ी, और कोशिश करेगा मैं इसे घर ले जाऊंगा, घर में जलाने के काम आएगी, आग से कुगा जिसे मुझे आनंद तृप्ति प्राप्त होगी। ओह माय गॉड, ये देखिए ये है शान, और इसके ऊपर आप पांव रखते ही नीचे हमें इसके ऊपर कदम जमा जमा के चल तू चल दस दस के रखने होंगे इसको ले जाएंगे। तो कैमरामैन मुझे शूट कर रहा है क्योंकि मैं पिछले दो बार गिर चुका हूँ, इसलिए कैमरामैन ने तय किया है कि ये मेरी ही वीडियो बनाएगा, कहीं और गिर जाऊँ तो चोट मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा शान है। ये देखिए बहुत फिसलन भरा है, ये बहुत फिसलन भरा है। देखिए यहाँ पर ऊपर बर्फ है। अब गाइस अब हम क्या करते हैं, जब कोई आता है ऐसा तो हो नहीं सकता यार बर्फ के पास आए और बर्फ ना खाए। ज़्यादा भी मत खाइए क्योंकि सिर में दर्द हो जाती है, फिर आपको एक गोली खानी पड़ती है और फिर आपको सोना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इस तरह से कीजिए। ये गंदा है ऊपर ऊपर से, लेकिन इसमें सिर्फ जंगल की मिट्टी है। जंगल की मिट्टी बहुत शुभ होती है, सॉरी शुभ नहीं होती, फायदेमंद होती है। शुभ शुभ क्या है, क्योंकि भी आसान है हाथ जमे नहीं मराने देते खाना। और यहाँ पर है शान, फिर से हमें संभल के चलना होगा क्योंकि इस बार मैं ऑन कैमरा गिरना नहीं चाहता। सीरियस व्लॉग हो जाते हैं क्योंकि हम बस कुछ ही कदम दूर है माता के मंदिर से, अब सीरियस व्लॉग हो जाए। तो आइए